मैटर क्या है? सुना है पुलिस स्टेशन गया था। तू काम की बात कर। इस लड़की का किडनैप नहीं करूंगा। 10 लाख का डील है। मैं इस तरह का धंधा नहीं करता। तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है ना। बच्चे और औरतों पर अपुन हाथ नहीं डालता। चक्रव्यूह से निकलने के बाद इंसान वापस घर ही लौटता है। आसमान में उड़ने वाली चिड़िया वापस घोंसले में ही लौटती है। तू ना मत मत बन। तू ना करेगा तो चल जाएगा। तू मुझे नहीं जानता। मैं अपने हाथ की उंगलियों की मुट्ठी बांध के तेरी एक एक हड्डी पसली तोड़कर तेरी लाश को शमशान में पार्सल कर दूंगा और यमलोक में सीधा मैसेज भेजूंगा। तेरी इस बॉडी को देखकर यमलोक में यमराज भी आइडेंटिफाई करे या जान जाएगा कि इसे सूर्या ने भेजा है धरती से। समझा तू? भाई इसका तो साला काम तमाम हो गया है। आज चलकर हम उस लड़की को उठाते हैं। ए, चलो रे लड़की को उठाते हैं। अरे भैया पता नहीं किसका खून हो गया यार। कौन है इसको तो कोई जानता भी नहीं यहाँ पे। भारत देश में ग्लैमर सिटी मुंबई में मौत का तांडव नाच। मैं इस समय घटनास्थल से बोल रही हूँ। आज सुबह सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के नजदीक जू गली में और एक बेदर्दी से कत्ल। अरे यार दिन दहाड़े खून हो गया देखो तो। अरे चलना भैया का देख रहा खड़े खड़े। तकरीबन 30 साल उम्र। 30 साल। प्रवीण सर इस घटना की रिपोर्ट हमें किसने दी? सर वासु नाम के किसी आदमी ने दी थी जो यहीं पे रहता है। मरने वाले की जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। क्लोज लो। ओके प्रवीण एक काम करो सारे इलाकों की छानबीन करो। कोई बचना नहीं चाहिए। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। और यहाँ के सभी लोगों का स्टेटमेंट भी ले लो। समझ गए? ओके सर। ये जमीन पे क्या लिखा है? प्रवीण ये देखो ये क्या लिखा है? SHES ये क्या लिखा है? क्या मतलब होगा इसका? हेलो अविनाश अग्रवाल का भाई। हाँ एक मिनट सर। ओके पुलिस स्टेशन से फोन आया है। एडवोकेट दीपेंद्र की लड़की आपसे मिलने आई है। उनसे कहो कि मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। ओके सर। प्रवीण ये सारा काम तुम अपनी निगरानी में करना। हम चौकी में मिलते हैं। ओके गो गो। सर 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 1 मिनट सर। हटो चलो पीछे सर। क्या आप बता सकते हैं कोई आगे नहीं आएगा? किसने किया है? कहीं ये अंडरवर्ल्ड या फिर लूट का से जुड़ा मामला तो नहीं? साल देखिए मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। चलो पीछे चलो। चमत्कारी अवतार नहीं हो। जब तक जांच पूरी नहीं होगी मैं कुछ नहीं कह सकता। शहर में और एक कत्ल। कातिल कानून की गिरफ्त में आएगा या नहीं? कैमरामैन प्रसाद के साथ कृतिका। ओके नमस्ते सर। नमस्ते मैडम बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? मेरी लड़की संध्या कल शाम को अपने फ्रेंड की एंगेजमेंट में गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। उसको मोबाइल पर फोन कर रही हूँ तो नॉट रीचेबल बता रहा है। वो इस समय कहाँ है कैसी है कुछ नहीं पता सर। टेंशन मत लीजिए बहन जी आपकी लड़की को कुछ नहीं होगा। बाय द वे आपकी लड़की की फ्रेंड की एंगेजमेंट कार्यक्रम कहाँ पर था? उसकी सहेली का नाम स्वाति है और शंकरपुरम में उसका घर है। उसके घर पर ही एंगेजमेंट पार्टी थी। मैंने वहां भी फोन किया था। फंक्शन खत्म होते ही वो रात में ही निकल गई थी। मेरी लड़की संध्या कभी अकेले बाहर इस तरह नहीं गई है। देखिए आप शांत हो जाइए आप परेशान मत होइए। ये बताइए वो कार से गई थी या ऑटो से? घर की गाड़ी से गई थी। हमारा ड्राइवर संदीप भी उसके साथ में था। उसके मोबाइल पे ट्राई किया पर वो स्विच ऑफ बता रहा है। ओ संदीप कब से आपके यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा है? वो पिछले 8-9 सालों से हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है। कहीं मेरी लड़की को उससे कोई खतरा तो नहीं? ओ कहीं वो संदीप ये तो नहीं है? हाँ यही संदीप है। ये आपको कहाँ से मिला? मेरी लड़की को क्या हुआ? बताता हूँ। वैसे आपके पिताजी मुझसे मिलना चाहते थे वो क्यों नहीं आए?
कल रात मेरे पिताजी के सीने में अचानक दर्द उठने लगा। उन्हें मैं हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर बोला उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। मैं क्या करूं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, देखिए मैडम, आपको थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। हमें संदीप की शंकरपुर की तीसरी गली में उसकी लाश मिली है। जांच करते समय हमें उसकी जेब से ये लाइसेंस मिला। क्या संदीप का खून हो गया? मेरी लड़की कहाँ पे है? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? मैडम हिम्मत से काम लीजिए, हम लोग इस केस को सीरियसली ले रहे हैं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं, कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। अच्छा, एडवोकेट देवेन साहब को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया है? उन्हें श्याम श्री नर्सिंग होम में एडमिट किया है। ओके, वहां पर रजिस्टर में अपना साइन कर दीजिए और देवेंद्र एडवोकेट साहब का मोबाइल नंबर भी उसमें लिख दीजिए। ओके, हवलदार यहाँ आओ। सर, तुम जाकर मैडम की कंप्लेंट रजिस्टर करो। ओके, आइए मैडम। नमस्ते मैडम। May I come in, sir? Come in. Sir, संदीप की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और बाकी की कार्रवाई पूरी हो गई। गुड प्रवीण, एक बात बताओ, ड्राइवर संदीप मरने से पहले कुछ कहना चाहता था क्या? रोड पे SHES लिखा था, आखिर वो मरने से पहले क्या कहना चाहता था? तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है सर, वो या तो किसी जगह का, किसी आदमी का या फिर किसी कंपनी की तरफ इशारा कर रहा था। या एंड वन मोर थिंग। समझ गया सर, SHES से शुरू होने वाले क्रिमिनल्स की डिटेल मैं पूरी लिस्ट निकाल लेता हूँ। दैट्स गुड, थैंक यू सर। संध्या का किडनैप, ड्राइवर संदीप का मर्डर, देवेंद्र का हार्ट अटैक, ये सब कहीं ना कहीं मिलता है। आखिर ये है क्या? कल कहाँ गया था भी तू? वो कहीं ना कहीं इंतजार में थी। भब्रो कितने पीछे भटक रहा था। ज्यादा पागलपन मत दिखा वरना सोनू निगम की दुकान बंद हो जाएगी। क्यों? अच्छा बता, तूने ये सुरताल कहाँ से सीखी? अरे मार्केट वाली मोना। क्या वही दखली? ऐसे नहीं बोलने का, उसको दांत नहीं दिल को देखना चाहिए, तभी तो साली ठुमक ठुमक के चलती है। तो क्या हुआ, दिमाग तो सही है ना? कोयल की तरह। नहीं रे, उसके रंग रूप की बता रहा हूँ। ये तो क्या हुआ, मन से तो गोरी है ना वो। वो तेरे लिए जन्नत की हूर होगी। ए, ऐसे क्या छोड़ दूं? कल मैं और मना शाम को पिक्चर देखने गए थे। हाँ, पुष्पांजलि थिएटर में। थिएटर में लास्ट सीट पर अंधेरे में उसने तेरा हाथ पकड़ा, उसके बाद छोड़ दिया और इंटरवल के बाद उसने तुझे किस किया पागलों की तरह। तू ये सब कैसे जानता है? अबे तेरी तो यही बात तो सुधाकर सबको बता रहा है। चल मुसाब कर। अबे बस कर। अबे घोंचू, किसी भी चिड़िया को दाना डालने से पहले मुझसे पूछ तो लिया कर। साइकिल की एक सीट पर दोनों लोगों को बैठकर नहीं जाना चाहिए, गिरने का डर बना रहता है। समझ गया ना? नहीं समझा? खड्डे में गिरने के बाद समझेगा, समझा? चलो भाई। हाँ, चलो। देख प्यारे, हमें अपने दिमाग के दरवाजे को खोल कर काम करना चाहिए, दूसरों के सहारे नहीं। अगर दूसरों के सहारे चलोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। समझ गया ना? नहीं समझा? नहीं समझा? तू एक काम कर, ठंडे दिमाग से सोच, मैं जाता हूँ। बाय बाय। ओके सर। आओ प्रवीण बैठो। थैंक यू सर। सर, SHES अल्फाबेट के मुताबिक मुझे 36 क्रिमिनल लोगों की फाइल मिली है, जिसमें से मुझे 3 लोगों पर सबसे ज्यादा शक है। ओह, आई सी। वो तीनों लोग कौन है? वो सारी डिटेल इस फाइल में है। पहला शेषगिरी है, ये बहुत बड़ा पैसे का लालची है, पैसा लेकर लड़कियों की किडनैपिंग करता है। दूसरा शशि शेखर शशाद्री, ये जवान लड़कियों को किडनैप कर मुंबई के रेड लाइट एरिया में बेचने के जुर्म में 2 बार जेल जा चुका है। एंड फाइनली आई एक्सपेक्ट
शेशु। शेशु? शेशु कॉरपोरेटर अविनाश का छोटा भाई। उसके खिलाफ कई शिकायतें हैं, लेकिन अविनाश की दखलअंदाजी की वजह से कोई भी केस फाइल नहीं हो पाया। सर, मेरा शक शेशु पर ज्यादा है। ओके, ऐसी बात है तो ये फाइल मेरे पास ही रहने दो, इसे मैं देखता हूँ। ओके सर। चलता हूँ सर। क्या बे, देसी माल हलक से उतरा क्या? मर पाएगा। कहीं गले में तो नहीं अटका? सर इसको समझाओ ना। ए, मुंह बंद करना। गटक 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 गटक। क्या रे हीरो दिलशाने, आप उनके इलाके में बड़ी हीरोगिरी के साथ बैठे लाए, मानना पड़ेगा। अगर उस दिन इशारा मिल गया होता ना, तो तेरा और तेरे परिवार सबका ऊपर का टिकट कटवा दिया होता। अपन चाहे तो अभी का अभी टिकट कटवा सकता है। कुत्ते की औलाद, मेरे दोस्तों के सामने तूने सिर्फ भौंकने की हिमाकत की है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर छूने की हिमाकत की होती तो जमीन में ही गाड़ देता। कौन है आप लोग, क्या चाहिए? किडनैप हुई संध्या की हमें सारी डिटेल चाहिए। सुनिए, हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सुराग मिलते ही अपराधी जेल के अंदर होंगे। सारे पुलिस वाले हमेशा यही कहते हैं। सभी पुलिस ऑफिसर यही कहते हैं। कोई भी मुजरिम पुलिस वालों को बताकर जुर्म नहीं करता। किडनैप करने वाले खतरनाक अपराधियों को हम लोग ही पकड़ते हैं, मगर आप लोग आकर के इस तरह का मोर्चा निकालते हैं। सॉरी सर, संध्या की किडनैप हुए आज 2 दिन गुजर चुके हैं। इसकी सारी जानकारी हमें कब तक मिलेगी? 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 किडनैपिंग प्लानिंग के साथ की गई है। अगर हम लोग आपको कुछ बताते हैं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। संध्या के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए। हमारी ये लड़ाई औरतों की सुरक्षा के लिए है। हमारा भी फर्ज है आप सभी लोगों की सुरक्षा करना। बहुत जल्दी ही किडनैपर कानून की गिरफ्त में होगा। संध्या के केस में आप लोग कोऑपरेट करें हमें, प्लीज। प्रवीण सर, प्रवीण तुम एक काम करो, तुम टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर देवेंद्र के 15 दिनों की मोबाइल कॉल्स की डिटेल्स निकालो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, देवेंद्र से मिल करके जानकारी प्राप्त करता हूँ। ओके, टेक इट फास्ट। श्योर सर। हेलो सर। बैठो। थैंक यू। आई एम शंकर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। कहिए। आपकी नातिन संध्या का किडनैप का केस मैं हैंडल कर रहा हूं। ये बताइए, संध्या का किडनैप किसने किया होगा? आपको किसी पर डाउट है क्या? डाउट नहीं ऑफिसर, पूरी तरह कंफर्म है। अविनाश हेगड़े, कॉर्पोरेटर एंड बिल्डर। अविनाश हेगड़े के बेंगलोर के अंदर अनगिनत फ्लैट्स हैं और कई नई बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। आज से 2 महीने पहले देवनार के इलाके में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब उसी वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मजदूर की जान चली गई थी। उस मजदूर की बीवी ने अपने पति का मुआवजा लेने अविनाश हेगड़े के पास गई थी। उस विधवा को बड़ी बेइज्जती के साथ धक्के मारकर निकाल दिया गया था। वो बेसहारा सीधे मेरे पास आकर इंसाफ की फरियाद करने लगी। उस औरत से इंसाफ दिलाने का वादा करके मैंने अविनाश हेगड़े के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सर, यस, अविनाश हेगड़े के सभी कंस्ट्रक्शन के काम पर हमें हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। वेरी गुड,
अभी के अभी इसकी एक कॉपी मेयर के पास। ओके सर। और हमारी तरफ से एक कॉपी अविनाश हेगड़े के पास जरूर भेज देना। यस सर। ये क्या है? समझ में नहीं आया क्या? ये हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। मैं कौन हूँ शायद तुझे पता नहीं है। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं यहाँ बैठकर अपना फर्ज निभाता हूँ और एक मजलूम औरत को कोर्ट से उसका हक दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगत सिंह की तरह बातें मत कर। सुन, जुबान ना खोलने की क्या कीमत लेगा? बोल दे, मिल जाएगा। कुत्ते को क्या चाहिए हड्डी ना। माफ करना, मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ। 73 साल का एक बुजुर्ग इंसान अन्ना हजारे जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भी संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर मेरे जैसा एक वकील किसी गरीब को उसका हक क्यों नहीं दिला सकता? ओहो, लो दूसरा अन्ना हजारे पैदा हो गया है। तेरे घर में बाल बच्चे तो होंगे ना? लगता है तू भी अन्ना हजारे के जैसे अकेला रहना चाहता है। तुझे अपने परिवार में रहने वालों से प्यार व्यार नहीं है क्या? मतलब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं, प्यार से समझा रहा हूं, मान जा, नहीं तो अंजाम अपनी आंखों से देख लेना। A for apple, B for ball। यह अविनाश हेगड़े और उसके छोटे भाई शेष का ही काम है। ओके, डोंट वरी, आपकी संध्या बहुत ही जल्दी घर पहुंच जाएगी। प्लीज टेक केयर योर हेल्थ सर, मैं चलता हूं। थैंक यू।